हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे हीरो के बारे में जो साउथ इंडस्ट्री का बहुत ही तकड़ा हीरो है, मतलब सुपरस्टार है। उनकी जो भी मूवी आती है हमेशा तहलका मचा जाती है। जो मूवी आएगी वो हमेशा सुपर हिट ही जाएगी। हम बात कर रहे हैं थलपति विजय की। थलपति विजय एक ऐसे हीरो हैं जो मतलब मासूम दिखते हैं बट तहलका मचाते हैं। उनकी जो एक्शन है बब्बलगम खाने का एस करके वो मजेदार। तो हम बात कर रहे हैं उनकी अपकमिंग मूवी की बारिशों की। बारिशों 12 जनवरी को रिलीज हो रही है 2023 में। उसी दिन रिलीज हो रही थी आदि पुरुष प्रभास की, बट वो किसी कारण की वजह से डिले कर दी गई। उनके VFX बिल्कुल खराब था, उस वजह से डिले कर दी गई मूवी। और इस मूवी की जो कास्टिंग है वो है थलपति विजय और रश्मिका मंदाना। थलपति विजय और रश्मिका मंदाना इस मूवी में साथ नजर आने वाले हैं। ये उनकी पहली मूवी होने वाली है। ये एक फैमिली एक्शन एंटरटेनर मूवी होने वाली है। पैन इंडिया लेवल मूवी होने वाली है जो सभी भाषाओं रिलीज होगी। जो अपकमिंग मूवीज आ रही हैं विजय की, सारे पैन इंडिया लेवल की मूवी हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम दूसरी मूवी की बात करें, दूसरी मूवी है थलपति 67, यानी कि विजय की 67वीं मूवी है। और इतनी तकड़ी जाएगी यार, इसका कोई रिकॉर्ड ही तोड़ नहीं है। इसकी जो बजट है वो भी हाई है। ये एक अनटाइटल मूवी है, ये भी पैन इंडिया लेवल की मूवी है जो सभी भाषाओं में रिलीज होगी। इस मूवी के डायरेक्टर है लोकेश कंगाराज। लोकेश कंगाराज ने मास्टर डायरेक्ट की, कैथी डायरेक्ट की और विक्रम डायरेक्ट की, जिन्होंने तीन तीन सुपरहिट मूवी डायरेक्ट की है, वही इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। ये एक अनटाइटल मूवी है, अभी इसको कोई टाइटल नहीं दिया गया है, बस नाम बताया जा रहा है कि थलपति 67। इसमें विजय एक गैंगस्टर के रूप में नजर आएंगे, बॉम्बे गैंगस्टर के रूप में, जो सभी को मारते चले जाएंगे, उड़ाते चले जाएंगे। आपने देखा है कि साउथ इंडस्ट्री गैंगस्टर से ही उठती चली जा रही है। इस मूवी की जो कास्टिंग है वो है थलपति विजय, त्रिषा कृष्णन, संजय दत्त और अर्जुन सरजा। अर्जुन सरजा भी काफी अच्छे खासे हीरो हैं। संजय दत्त को आप जानते ही हो, त्रिषा कृष्णन वही है खट्टा मीठा वाली। ये विजय की अब तक की मोस्ट अवेटेड फिल्म होने वाली है। इसका बजट भी हाई है और विजय के जीवन की सबसे तकड़ी मूवी, सबसे इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है। नेक्स्ट मूवी है, तीसरी मूवी है एतली कुमार नेक्स्ट। मतलब एतली कुमार इस मूवी के डायरेक्टर है। ये एक अनटाइटल मूवी है जो सुपर हिट जाने वाली है विजय की। विजय इसमें हीरो का किरदार निभा रहे हैं। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। एतली कुमार की ये विजय के साथ चौथी मूवी है। पहली थैरी, दूसरी मैरसल, तीसरी बिगिल और चौथी है एतली कुमार नेक्स्ट। अब इसको कोई टाइटल नहीं दिया गया, अनटाइटल मूवी है। और अगली मूवी की बात करें, नेक्स्ट मूवी है जवान। जवान 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 जो कि शाहरुख खान की मूवी है। शाहरुख खान की मूवी में एक कैमियो रोल करते नजर आएंगे, जो थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे। मतलब विजय की मूवी तो है ही। इसमें विजय को इसलिए लिया गया है कि साउथ में मूवी चलेगी तो सही, क्योंकि शाहरुख खान की मूवी है। शाहरुख खान हमेशा कोई ना कोई नया अच्छी मूवी उठाते हैं। इस मूवी में भरपूर एक्शन है, भरपूर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की जो कास्टिंग है वो है शाहरुख खान, विजय सेतुपति, प्रिया मणि, सुनील ग्रोवर और थलपति विजय। ये इतनी हैवी कास्टिंग है, मजेदार कास्टिंग है। शाहरुख खान इस मूवी में डबल रोल में नजर आने वाले हैं। ये मूवी 2 जून 2023 को रिलीज होगी और तहलका मचा देगी पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में मतलब कि पैन इंडिया लेवल मूवी है शाहरुख खान की। इस मूवी को रिटर्न एंड डायरेक्ट कर रहे हैं एतली कुमार। और हम नेक्स्ट मूवी की बात करें, नेक्स्ट मूवी पांचवी मूवी है बैतरी मानन नेक्स्ट। बैतरी मानन की नेक्स्ट मूवी है जो विजय के साथ बना रहे हैं। विजय के साथ उनकी पहली मूवी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं विजय के साथ एक मूवी बनाऊंगा, पर कब बनाऊंगा ये उन्होंने खोला नहीं था। बट ये मूवी अनटाइटल मूवी, इसको कोई टाइटल नहीं दिया गया है। ये बैतरी मानन की नेक्स्ट मूवी है। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है जो 2024 में रिलीज होगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको अपकमिंग मूवीज़ का रिव्यू देना पसंद आया है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, विजय की अपकमिंग मूवीज़ कैसी लगी, और कमेंट करके बताओ कि अगले कौन से हीरो की अपकमिंग मूवीज़ चाहते हो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट और बने रहो हमारे चैनल के साथ।